आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस। ये हिंदी में भी अवेलेबल है अमेजन पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के। इस किताब में क्या है वो पहले आप सुनो। आप भले ही कितने होशियार हो, कितने ही टैलेंटेड हो, कितना ही तेज आपका आईक्यू है, पर अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, कितनी ही मोटिवेशनल वीडियोस देख लो पर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो एक चीज पर, अपने काम के ऊपर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, तो बड़ी कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। ये बात हमको पता है कि एक्शंस लेने पड़ते हैं, ज्ञान होना सब कुछ नहीं होता है। तो यही इस बुक में बता रखा है कि कैसे हद पार मेहनत करें, कैसे आप हद पार मेहनत कर सकते हो, कैसे आप वर्क लाइक हेल कर सकते हो, कैसे आप अपने जिंदगी के 10 साल के लक्ष्य को 6 महीने में पूरा कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एनर्जेटिक फील करते हैं, हमें लगता है कि यार आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर दिक्कत यह है कि ये कभी कभी ही फील होता है। याद करो वो दिन जब कभी ना कभी आप बहुत ज्यादा फोकस्ड थे, बहुत ज्यादा मेहनत करने का मन कर रहा था आपका, आपके अंदर ये नहीं आ रहा था कि मैं कल करूंगा, एक एक्साइटमेंट थी आपके अंदर, एक जिज्ञासा थी, मोटिवेटेड थे। सोचो आपके साथ में ये कभी कभी होता है, पर क्या हो अगर आपके साथ में ये हर रोज हो, क्या आप जिंदगी में धूम नहीं मचाओगे? अगर आलस, थकान, बोर होना, ध्यान भटकना, हार मानने का मन करना, बार बार काम को चेंज करना, क्या हो अगर ये सब ना रहे? इसलिए इसका सलूशन ये है जो किताब में बता रखा है कि आपका ध्यान होना चाहिए एनर्जी मैनेजमेंट पर। लोग टाइम मैनेज करने पर ध्यान देते हैं, पर क्या करोगे उस बचे हुए वक्त का जो आपने मैनेज करके बचाया, उस वक्त का आप क्या करोगे अगर आप उस वक्त प्रोडक्टिव फील नहीं करते हो, एनर्जेटिक फील नहीं करते हो, मोटिवेटेड फील नहीं करते हो? जब सुपर पावर फील होता है, आपको अलग ही लेवल की एनर्जी फील हो रही होती है, तब आप 10 घंटे के काम को 1 घंटे में ही कर सकते हो। यही सुपर पावर हमेशा अगर आपके अंदर रहे तो आप 10 साल के लक्ष्य को 6 महीने में पूरा कर सकते हो। यहाँ इस बुक के ऑथर ने, यानी कि मैंने, आपके भाई ने बताया है कि हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का केमिकल होता है, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी बहुत बारी सुना होगा, मैंने भी इसके ऊपर काफी वीडियोस बनाई हैं। ये वही हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब आपको अच्छा फील होता है, जब आप मोटिवेटेड होते हो, जब आपका मेहनत करने का मन होता है, जब आप मेहनत करने के लिए तैयार होते हो, आपको आलस बिल्कुल नहीं आ रहा होता है, आप बिल्कुल चीजें नहीं टालते हो, ये तब रिलीज होता है। ये जब रिलीज होता है तब आप अलग ही जोन में होते हो। अब इसको समझते हैं एक बारी। आप सपोज करो आपने कोई काम किया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको समझाने के लिए ट्रेडिंग का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग बहुत चल रही है, तो एग्जाम्पल भी ऐसा ही लेते हैं। तो अगर कोई इंसान है, जैसे उसने ट्रेडिंग में 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, किसी भी एक क्रिप्टो कॉइन में 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, उसका दूसरे ही दिन 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ ये बंदा और आगे लगाएगा या फिर रुक जाएगा? ऑब्वियसली वो खुश होगा और इन्वेस्ट करेगा। तो ये जो इन्वेस्ट करने का मन कर गया फिर से, ये होता है डोपामिन हार्मोन की वजह से। ये हमारे अंदर कुछ हो रहा होता है जो हमें कहता है कि फिर से कर। जब भी कोई काम हो जाता है तो उसके हो जाने की खुशी मिलती है, तब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है हमें, एक अच्छा फील होता है। तो ये इस केमिकल की वजह से हो रहा होता है हमारे दिमाग में, इसको हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं, जो हमें अच्छा फील करवाने का काम करता है। इसी वजह से सक्सेस के बाद में फिर से मेहनत करने का मन करता है। हर साइंटिस्ट, हर बिजनेसमैन, राइटर, सिंगर, हर इंसान ऐसे ही बड़ा बनता है, एक बार किया हुआ तो मेहनत करने का और मन करता है। इसी तरह से हर इंसान वर्कहोलिक बन जाता है। वर्कहोलिक बन जाने का मतलब होता है कि वो इंसान अब काम किए बिना रह नहीं सकता, उसके लिए काम नशा बन जाता है, उसके लिए मेहनत नशा बन जाता है। ये नशा ड्रग, कोकेन, सिगरेट से भी ज्यादा एडिक्टिव होता है। दुनिया में आप देख सकते हो, ये इलॉन मस्क, जेफ बेजोस जैसे इंसान को आप देख सकते हो। आज वॉरेन बफेट की उम्र है 91 ईयर्स, आज भी इन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया है, वो आज भी मेहनत कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, डेली पढ़ते हैं आज भी। आपको लगता होगा कि इनको कमाना इसलिए कर रहे हैं, पर आप खुद अपने आप को 91 ईयर्स की एज पर देखो। आप इमेजिन करो अपने आपको कि आपके पास में इतना पैसा है, आप 91 ईयर्स के हो, तब आप आराम करोगे, अपने अरबों डॉलर्स को उड़ाओगे, एंजॉय करोगे, या फिर से काम करोगे? तो यहाँ यही बात निकल करके आती है कि कामयाब लोगों को लत लग चुकी होती है, और ये जो लत लगती है इसके पीछे इसी हार्मोन का हाथ होता है, यही मेहनत करवाता है। इसको समझ गए तो आप मेहनत करना सीख लोगे, और इसीलिए दुनिया में जितने मजे बने हैं ये कामयाब लोग इन सबको इग्नोर कर लेते हैं और वो मजा ढूंढते हैं अपने काम के अंदर। आपके पास हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं, ये डोपामिन गलत तरीके से भी आप रिलीज कर सकते हो, आपको गलत काम करने में भी मजा आता है, उसमें भी ये हार्मोन रिलीज होता है। कई लोग नशा करते हैं, बुरी आदतों में जाते हैं, तब भी ये रिलीज होता है और अच्छा फील होता है। पर इस तरह से मजे लेने से होता क्या है कि आपकी बाकी की लाइफ जो है वो तहस नहस हो जाती है। तो मजा लेना ही है, अगर डोपामिन हार्मोन को रिलीज करना ही है तो सही जगह करो। द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस, यानी कि इसका हिंदी नाम है आलस का मनोविज्ञान, इसमें बता रखा है कि बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास में उन्होंने कितना लगातार एक ही काम को किया उसकी कहानी होती है, ना कि कितना उनको ज्ञान था उसकी कहानी होती है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, उसके एक्शंस काउंट होते हैं,
उसका ज्ञान काउंट नहीं होता है। ज्ञान बहुत लोगों को होता है पर लगातार एक्शंस हर कोई ले नहीं पाता है। हर कोई ये बात करता है कि इलॉन मस्क का तेज दिमाग है, इलॉन मस्क का आईक्यू तेज है, बचपन से ही सब कुछ सिखाया गया, परवरिश अच्छी हुई है, पर कोई ये बात नहीं करता कि इलॉन मस्क जो है वो 7 दिन में 100 से 120 घंटे काम करते हैं। तो ज्ञान के साथ में मेहनत बहुत जरूरी है। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि मेहनत तो गधा भी करता है, ये नहीं बोल सकते आप यहाँ पे। आपको दुनिया में हर जगह यही मिलेगा कि कम ज्ञान रखने वाले अक्सर ज्यादा ज्ञान रखने वाले से आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह होती है कंसिस्टेंसी। ये कामयाबी ना ज्ञान की मोहताज है, ना तेज दिमाग की मोहताज है, ना पैसों की है, ना सपोर्ट की है। ये कामयाबी मोहताज है लगातार एक्शन की। बात नॉलेज की नहीं है, नॉलेज पूरी दुनिया ले रही है, बात नॉलेज को दूसरों से स्मार्ट तरीके से लगाने की है। 90% से ज्यादा लोग अपने बुद्धि में पड़े ज्ञान को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। काफी लोग देखे मैंने ऐसे, ज्ञान लेके बैठे कर कुछ नहीं रहे। अमीर वो लोग बनते हैं जिन्होंने एक्शन लिया नॉलेज पर, ना कि वो जो ज्ञानी है। इस बुक में मैंने बता रखा कि कैसे एक्शंस ले। मेहनत हर वक्त टैलेंट को पीछे छोड़ देती है, जब टैलेंट वाला इंसान मेहनत नहीं करता है। एक मूर्ख इंसान लगातार एक्शन से, मेहनत से आलसी इंटेलिजेंट को बड़े आराम से हरा सकता है। अफसोस, बड़ी कामयाबी के लिए फोकस चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए। नॉलेज तो ले सकते हैं लेकिन भटके हुए मन को लगाना बहुत मुश्किल होता है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये एकदम बातचीत वाली भाषा में है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, ऐसी भाषा में लिखी हुई है, हिंदी में है और बिना बोर करे बहुत ही इंगेजिंग स्टाइल से लिखी हुई है इस बुक को। मैंने अब तक काफी किताबें पढ़ी है, मुझे हर जगह प्रोफेशनल और टफ स्टाइल नजर आती है, बहुत डिफिकल्ट तरीके से बातों को लिखते हैं, जहां ऑथर्स बेवजह जबरदस्ती बातों को भारी और डिफिकल्ट शब्दों से समझाने की कोशिश करते हैं। पर ये आपका भाई जिसे आप सुन रहे हो, ये बुक की भी इंडस्ट्री बदल देगा। मैंने ऐसी इंगेजिंग स्टाइल में किताब लिखी है, आपको लगेगा कि आप एक व्हाट्सएप टेस्ट पढ़ रहे हो। और इस तरह से एक्सपेरिमेंट कोई करता नहीं है मार्केट में, क्योंकि लोग डरते हैं एक्सपेरिमेंट करने से। मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं। आगे और बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किताब आप अमेज़न पर अभी ऑर्डर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या आपको वाकई में ये नहीं लगता कि आप किसी एक काम पर लगातार बिना रुके, पूरे दिल से, बिना आलस करे, बिना उस काम को टाले 6 महीने रोज करने लग जाओ तो आप क्या कर सकते हो, कितना बड़ा कर सकते हो? बिना एक भी मिनट बर्बाद करे अगर आप उस काम को करो 6 महीने तक, तो कुछ तो आपके हाथ में हो गए। बताओ आपकी जिंदगी में कब ऐसा वक्त आया था कि आप एक काम पर लगातार हाथ धो के पीछे पड़े रहे 6 महीने बिना कुछ और काम करे, सिर्फ आपने वही किया। सबसे ज्यादा ये बात जो बोलने वाला हो इसको लिख करके रख लो, ये बात बहुत ज्यादा हिट करती है मुझे भी। सबसे ज्यादा सपने टालने के कीड़े ने मारे हैं, सबसे ज्यादा जो सपने हैं वो आलस ने मारे हैं। इस टालने की आदत ने कि मैं कल करूंगा, बाद में करूंगा, इस आदत ने न जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में ये पछतावा कराया है कि काश मैं एक और कोशिश कर लेता। पूरे साल में 8760 घंटे होते हैं, जिसमें खाना पीना, रेस्ट करना, काम या जॉब जो भी करते हो वो सब निकाल कर एक्स्ट्रा घंटे भी निकाल दे, तब भी मेरी स्ट्रॉन्ग मैथ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 3190 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं आपके पास में हर साल। आपका ये टाइम कहाँ जा रहा है? हम कुछ मिनट यहाँ वहाँ देते रहते हैं ना, वो घंटों में बदल जाते हैं, वो हजार घंटों में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगर एक 80 साल के बिलियनियर इंसान को ये कहा जाए कि आपको फिर से 20 साल का कर सकते हैं, आप फिर से 20 साल की उम्र ले सकते हो, आपकी लाइफ फिर से स्टार्ट हो सकती है, आपका नॉलेज वही रहेगा, आपका एक्सपीरियंस भी वही रहेगा और आपकी उम्र हो जाएगी 20 साल की, बस बदले में आपको अपनी सारी दौलत देनी पड़ेगी, तो 99% चांसेस है कि वो बिलियनियर अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाएगा 20 साल का बनने के लिए। जिसका मतलब यह है कि अभी आप जो लाइफ जी रहे हो, अभी आपकी जो एज है, इससे कीमती और कोई चीज नहीं है। $1 बिलियन से भी बढ़कर आप लाइफ जी रहे हो, जिसमें आपने कल से करूंगा बोलकर आपने कितना वक्त गवाया होगा। आपकी ये जिंदगी और सोच बदल देने वाली बुक अमेज़न पर आप अभी खरीद सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये किताब हर इंसान के रूम में होनी चाहिए, हर इंसान के घर में होनी चाहिए, जिस तरह से हर घर में घड़ी होती है जो होनी ही चाहिए वो वक्त बताती है, उसी तरह से ये किताब आपके सामने होनी ही चाहिए जो आपको वक्त नहीं बताएगी, आपका वक्त बदल देगी। ये किताब एक बार नहीं बार बार पढ़ने वाली है, ये ऐसी किताब है जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आप और इम्प्रूव हो जाओगे। अभी जाओ इस बुक को पढ़ो, मिलते हैं किताब के अंदर। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।